सर भोपागढ़ में हर साल नाली की सफाई की जाती है, लेकिन कुछ ये मकान मालिक के द्वारा या इस बार नाली पे निर्माण कर लिया है और अपना अतिक्रमण करके उसको अपना मकान पर कब्जा करने की, वो सरकारी ज़मीन पर, और बोल रहे हैं कि यहाँ से नहीं उतरेगी, लड़ाई झगड़ी भी करने की कोशिश की गई है। सिविल लाइन्स स्थित भोपागढ़ में नगर निगम के दल को नाले की सफाई के दौरान अतिक्रमी का झेलना पड़ा विरोध। 5 साल बाद मानसून पूर्व हो रही नाले की सफाई के दौरान अतिक्रमी परिवार ने खूब मचाया हंगामा। शनिवार को स्वास्थ्य निरीक्षक नगर निगम धनराज हाड़ा के नेतृत्व में नगर निगम का सफाई दल सिविल लाइन से स्थित भोपागढ़ इलाके में नाले की सफाई करने पहुंचा तो वहां नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर बैठे एक अतिक्रमी परिवार द्वारा जमकर हंगामा बरपाया गया। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों को अतिक्रमी परिवार ने खूब खरी खोटी सुनाई और झगड़े पर उतारू हो गए। मामला बढ़ता देख नगर निगम के अधिकारियों ने अतिक्रमी परिवार से काफ़ी समझाइश की। काफ़ी देर तक चले हंगामे के बाद आखिर नगर निगम की JCB ने अतिक्रमी द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर नाले में JCB उतारकर सफाई कार्य शुरू कर दिया। नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक धनराज हाड़ा ने बताया कि लगभग 5 साल बाद मानसून पूर्व आज भोपागढ़ इलाके में बरसों पुराने नाले की सफाई करने पहुंचे तो देखा कि नाले के ऊपर एक परिवार द्वारा पक्का अतिक्रमण किया जा चुका है, जो अतिक्रमण हटाने से भी मना कर रहा है और JCB के ऊपर चढ़कर राज्य कार्य में बाधा पहुंचा रहा है, जिस पर उसे समझाया गया। इसके बाद कार्य शुरू हो चुका। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर भर के सभी नालों की सफाई कराई जा रही है ताकि बरसात के समय इन बस्तियों में पानी भरने की समस्या से निजात मिल सके। सर भोपागढ़ में हर साल नाली की सफाई की जाती है, लेकिन कुछ ये मकान मालिक के द्वारा या इस बार नाली पे निर्माण कर लिया है और अपना अतिक्रमण करके उसको अपना मकान पर कब्जा करने की, वो सरकारी ज़मीन पर, और बोल रहे हैं कि यहाँ से नहीं उतरेगी, लड़ाई झगड़ी भी करने की कोशिश की गई है। हमने प्यार प्रेम से समझाया है कि भाई कि यहाँ से हमेशा ही उतरती है, नाले की सफाई ज़रूरी है, हर वर्ष की बात ही नाले की सफाई करना ज़रूरी होती है, निगम के द्वारा हर बार की जाती है, लेकिन इस बार ही इन्होंने थोड़ा सा ये फिर उन्होंने बोला कि हमारे को ऐसे ऐसे बोला कि ऐसा कुछ भी किसी प्रकार का किसी तरह का कोई बोला नहीं है। और शिकायत सर सफाई को लेकर भी पहले कोई शिकायत आई? पहले भी शिकायत थी कि नाले की सफाई नहीं होती है, नाले में जो भी कचरा है यहाँ पुलिया में फंस जाता है, जिससे आसपास की कॉलोनी में पानी भरने का खतरा बना रहता है, जिससे जनहानि भी हो सकती है। लेकिन अब समझाइश करी है तो नाले की उतार रहे हैं। धनराज आडा, स्वास्थ्य निरीक्षक नगर निगम जी। मामला तो बिल्कुल कोई भी मामला नहीं है, बस नाले की सफाई का है। बस नाले की सफाई को लेकर एक रैंप बनवाया जा रहा है और वो रैंप एक नगर निगम की ज़मीन में बनाया जा रहा है, जो एक वैध काम है। हमने किसी को कोई परेशान नहीं किया, ना ही किसी को जाति सूचक धर्म सूचक कोई भी शब्द नहीं बोला है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो उसका जिम्मेदार खुद होगा। हमारा काम है नाले की सफाई लेना। पिछले 4-5 साल से सफाई नहीं हुई, हम चाहते हैं कि इस वार्ड में पूरी नालों की अच्छी तरह सफाई हो, बस इतना ही कहूँगा मैं आपसे। जैसे पहले उनका कहना है कि पहले भी इन्होंने शिकायत की थी कि सफाई नहीं हुई है, शिकायत जरूर की इन्होंने। हम लाएंगे ना JCB, जब भी उतारेंगे जब भी सफाई होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत देखो सफाई के लिए कुछ ना तो कुछ नुकसान या कुछ ना कुछ परेशानी झेलनी पड़ेगी। हम मान गए हो? हाँ मान गए, वो बात ऐसी कोई बात नहीं है, मान गए। हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब है नगर निगम के, क्षेत्रीय इंस्पेक्टर साहब।